पैसों के लालच में हमीरपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक युवक का लिंग काट कर किन्नर बनाया गया है, जिसका किन्नर समुदाय ने विरोध जताया है और हमीरपुर पुलिस थाना में आकर शिकायत दर्ज करवाई है। किन्नर समुदाय के लोगों ने पुलिस थाना में आकर आरोप लगाया है कि बिजली के एक युवक को उसके ताया ने किन्नर बनाया है। किन्नर संजू बाबा ने बताया कि पैसों के लिए बिछड़ से युवक को किन्नर बनाया गया है और इसकी शिकायत पुलिस में की गई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि युवक का किस डॉक्टर ने लिंग काटा है, इसकी जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि सच लोगों के सामने आना चाहिए। गौरतलब है कि बिजली के रहने वाले ताया ने अपने सके भतीजे का लिंग काट कर खुसरा बनाने की बात सामने आने पर अब हमीरपुर शहर के किन्नरों ने कड़ा विरोध जताया है। किन्नरों का आरोप है कि कई साल पहले युवक के ताया ने भी अपना लिंग कटवाकर किन्नर बन गए थे, लेकिन अब खुद बूढ़ा होने पर अपने भतीजे का लिंग कटवाकर किन्नर बनाया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। जी, मैं संजू बाबा हूँ, हमीरपुर से पक्के परों में रहती हूँ। इस इलाके में विधायक मांगती हूँ और मैं लोकल हूँ। और यहाँ एक बिजर का लड़का है, उसने लिंग कटवाया, उसका ताया भी खुश रहा है। उसने दो दो शादियां कर रखी है, अब वो बूढ़ा हो गया है 25 साल का। उसने अब लाके खाकर अपने सके भतीजे का जो है लिंग कटवा दिया। वो लड़का था सका भतीजा, अब पैसे के लिए उसको खुसरा बना दिया। इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में आई हूँ और इसकी जो है सारी इंक्वायरी हो रही है। और इसलिए पुलिस स्टेशन में मैं आई हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, किसने कौन से डॉक्टर से कराया, इसके साथ में कौन गया था, कहाँ करवाया इसने, इसकी सारी पुलिस इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी पूरी CBI जाँच होनी चाहिए। ठीक है जी। और इसकी माँ इसके साथ में है और इसकी माँ इसके करवा के लाई है, इसकी माँ भी धमकियां देती थी। ठीक है जी। इसका भाई भी इसके साथ में, सब डेरे में रहते थे, पासी परी और जमुना के पास वहाँ रहते थे। इन्होंने हमें जबरदस्ती फंसाया है। ठीक है जी। और इसकी बात की इंक्वायरी की जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जाए। बस गवर्नमेंट से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हाँ जी, पुलिस डिपार्टमेंट जी, हमारे पास छोटी लंच लाता था, हम तो कार में बैठी रहती, कल फोन आए थे, इन्हें कहते बार बार मेरे को धमकी देता, मैं लिंक ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा करके रोज ऐसे बात कर रहे। ये तो मेरे पास आना नहीं जाना नहीं, नजीक में रहता था, लड़का था, काम करता था, ऐसे बार बार आके ऐसे ऐसे काम करता है। और इसकी माँ का हाथ है इसके बीच में, इसके ताऊ का हाथ है और जोरसिद वाले खुसरे का हाथ है और इसकी माँ का हाथ है, क्योंकि इसकी माँ भी इसके साथ टोली जाती है और डेरे में रहती थी और इसकी माँ भी धमकियां देती थी, क्योंकि इसका ताऊ भी खुसरा बना है। पहले उसने 2 शादियां करी, उसके बाद उसने 3 बच्चे बनाए, उसके बाद उसने लिंग कटवाया, अब वो बुढ़ा हो गया, अब उसने अपना भतीजा खुसरा बना दिया। SP हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस के पास बिजड़ी के एक युवक ने मामला दर्ज करवाया है कि जबरदस्ती किन्नर बनाया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस मामले में युवक बार बार अपने बयानों को बदल रहा है, जिससे मामले की पड़ताल की जा रही है और सच्चाई का पता लगाया जा रहा है। सदर थाने में एक मामला दर्ज हुआ है 367 IPC के तहत, जिसमें एक लड़का जो कि उसने ये आरोप लगाया है कि उसको किन्नर बनाने के लिए उसके जननांग काट दिए गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पे जो जांच है उसमें जिन लोगों पे उसने आरोप लगाया उनसे भी पूछताछ की जा रही है और पुलिस इसके सभी पहलुओं को देख के आगे बढ़ रही है मामले की। ये मामला थोड़ा अभी इसकी, क्योंकि सच्चाई तक इसकी तह में जाना अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये प्रारंभिक तौर पर कुछ जो बयान है बार बार बदले जा रहे हैं जो पीड़ित है उसकी तरफ से, तो जब तक पुलिस इसमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाती उससे पहले हम कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन जो मामले के सारे पहलू हैं कि क्या उसके साथ ये घटना हुई है या उसने खुद ही ऐसा किया, उन सारे पहलुओं की जांच इसमें जारी है।